दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा द मैन कंपनी की एक नई सीरीज पोलो वुड्स और इसके दो परफ्यूम द मैन कंपनी ब्लू द मैन कंपनी ब्लैक। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो इन दो परफ्यूम के साथ। नमस्कार दोस्तों, परफ्यूम रूट में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिद्धू। दोस्तों सबसे पहले आपको अगर परफ्यूम लगाने अच्छे लगते हैं, परफ्यूम के बारे में अगर आपको जानना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों। और साथ लगे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। एक चीज़ और दोस्तों, ये परफ्यूम की लाइन के अंदर ये जो परफ्यूम के जो नोट्स हैं, इसकी खुशबू, इसके अंदर मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं हूँ दोस्तों। देसी तरीके से परफ्यूम सारे चेक करता हूँ और जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, जो भी एक्सपीरियंस मेरा होता है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों परफ्यूम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों की जो पैकिंग है बिल्कुल सेम है। रेट और MRP अगर आप इन दोनों की देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। MRP जो है इसके बॉक्स के ऊपर जो लिखी है 749 रुपीज़ है। और दोनों के दोनों बॉटल्स जो हैं दोस्तों, दोनों के दोनों परफ्यूम जो हैं दोस्तों, ये 100 ml के परफ्यूम्स हैं। और अगर आप पैकिंग दोनों की देखेंगे तो जो बॉक्स हैं दोनों के सेम हैं, बॉक्स की जो शेप है बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। जैसे कि ये परफ्यूम ब्लू है तो इसका जो बॉक्स है ब्लू और जो दूसरा बॉक्स है वो ब्लैक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस ब्लू परफ्यूम के बारे में बताऊंगा। तो इसकी पैकिंग अगर आप देखेंगे तो एक सॉलिड, एक अच्छा खासा बॉक्स है, जो सॉलिड बॉक्स है इसकी जो पैकिंग है। और सामने अगर आप देखेंगे तो इसका नाम लिखा है द मैन कंपनी पोलो वुड, इसकी एक नई सीरीज़ है और परफ्यूम का नाम है ब्लू। ये एक EDP परफ्यूम है, 100 ml के अंदर आता है ये परफ्यूम। बॉक्स की साइड पे इस परफ्यूम के नोट्स भी लिखे हुए हैं। एक चीज़ और दोस्तों कि जब मैंने ये दोनों परफ्यूम ऑनलाइन मंगवाए थे तो ऑनलाइन मैंने अमेज़ोन से ही खरीदे थे। हालांकि जो इसकी MRP है वो 749 है, पर अगर आप इसका प्राइस अगर अमेज़ोन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको 500 से लेकर 600 रुपए के अंदर ये दोनों परफ्यूम मिल जाएंगे। मतलब एक परफ्यूम का जो प्राइस होगा वो 500 से लेकर 600 रुपए के अंदर होगा। MRP 749 है, पर ऑनलाइन पे आपको 500 से लेकर 600 रुपए सिंगल परफ्यूम का रेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये दोनों परफ्यूम ऑनलाइन मंगवाए थे तो ऑनलाइन जब मेरे पास आए तो ये दोनों की दोनों बॉटल्स दोस्तों, ये पता नहीं शायद मेरे पास ही ऐसी आई हैं ये बॉटल, दोनों की दोनों बॉटल्स दोनों लीक थी। और मैं जब इनको देखा तो काफ़ी बॉटल के ऊपर भी इसका परफ्यूम बाहर तक आ रहा था और बॉक्स के अंदर भी इसका लिक्विड जो था वो फैल चुका था। तो दोनों की दोनों बॉटल्स दोस्तों मेरे पास लीक पहुंची थी और पता नहीं शायद मेरे पास ही ऐसी बॉटल आई होंगी। बॉटल का कलर जो है, जो ग्लास का कलर है, वो भी ब्लू है। इसका स्प्रे अगर आप देखेंगे दोस्तों, स्प्रे इसका ठीक ठाक स्प्रे है। इसका इसका परफ्यूम का जो लेवल है कितना हो चुका है, कितना इसको मैंने यूज़ कर लिया है चेक करने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं तो शुरू के 5 से लेकर 7 सेकंड तक आपको एक केमिकल की एक स्मेल आपको मिलेगी। और ये जो परफ्यूम है दोस्तों, जैसे कि एक बॉटल की कलर से आप देख सकते हैं कि परफ्यूम एक ब्लू परफ्यूम है, तो ये एक फ्रेश एक्वाटिक परफ्यूम है। तो उस केमिकल की टोन के बाद, उस केमिकल की स्मेल के बाद इसके अंदर आपको एक फ्रेश एक्वाटिक टोन आपको इसके अंदर महसूस होगी। और दोस्तों इसके अंदर एक सिट्रस फील मिलेगी। इसके अंदर यूजू का नोट जो यूज़ किया गया है उसके कारण ये जो इसके अंदर एक सिट्रस फील मिलेगी। उसके साथ एक्वाटिक टोन है दोस्तों इसके अंदर, जो कि इसके अंदर एक सी वाटर जो होते हैं उसका एक नोट यूज़ किया गया है, समंदर से आने वाली एक ताज़ी हवा, जो उसके अंदर एक नमक का एक फील होता है, हल्का सा नमक, फ्रेश एक फील जो होती है वो फील आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इस परफ्यूम की खुशबू की बात करूं तो ये जो खुशबू है दोस्तों, कुछ ज़्यादा अमेजिंग खुशबू नहीं है, कुछ वाव वाली फीलिंग नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आजकल दोस्तों ये जो खुशबू है बड़ी कॉमन हो चुकी है। पाकुरवान इनविक्टस, लताफा नाजदिया या लताफा फ़कर, उस टाइप की खुशबू, या वाइल्ड स्टोन एज की हम अगर बात करें उस टाइप की खुशबू, ये सारे एक कैटेगरी के परफ्यूम हैं। ये आपस में किसी के क्लोन नहीं है, पर इस ये सारे के सारे किसी एक कैटेगरी के परफ्यूम हैं। तो ये परफ्यूम भी दोस्तों उस कैटेगरी का परफ्यूम है। तो आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो वाव वाली फीलिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक एक परफ्यूम है। और दोस्तों अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस भी इसकी कुछ ज़्यादा अमेजिंग नहीं है या कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से यूज़ करा, धूप के अंदर भी यूज़ करा, इंडोर भी यूज़ करा, आउटडोर भी इस परफ्यूम को यूज़ करा। तो मुझे जो इससे परफॉर्मेंस मिली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों,
तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 2 से लेकर 3 घंटे या मैक्सिमम 3.5 घंटे तक इसकी जो लास्टिंग है, जो इसकी लॉन्जिविटी है, वो इससे ज़्यादा नहीं है। और इसका जो प्रोजेक्शन है दोस्तों, शुरू के 1/2 घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं है, एक सॉफ्ट खुशबू है। मैं ये कहूँगा कि ये खुशबू शायद उनके लिए बनी है जो चाहते हैं कि एक सॉफ्ट खुशबू चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को ना परेशान करें। ये मुझे ऐसे लगता है कि ये परफ्यूम फिर शायद उनके लिए हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप इस परफ्यूम को यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक समर फ्रेगरेंस है, दिन में यूज़ करने के लिए ये एक परफ्यूम है। आप अगर कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, कि अगर आप ये परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, एक सॉफ्ट खुशबू है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है इसका, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं है, ज़्यादा ये लास्ट नहीं करेगा, तो ये बॉटल आपको साथ रखनी पड़ेगी दोस्तों। और हर 3 से लेकर 4 घंटे के अंदर आपको ये फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि ये इसकी खुशबू फिर से बन जाए। और दोस्तों, अगर मैं इस परफ्यूम को लगाने के लिए एज ग्रुप की बात करूँ तो ये एक जेंट्स फ्रेगरेंस है। और अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो आप इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं। और हर किसी एज के ऊपर ये एक फिट होने वाला परफ्यूम है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना ज़रूरी यही है दोस्तों, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी कम है। तो दोस्तों, दूसरा जो परफ्यूम है उसका नाम है द मैन कंपनी ब्लैक। ये जो दोस्तों बॉटल है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा अंदर से। और दोस्तों, जैसे कि मैं बॉटल की लीकेज की बात कर रहा था, तो आप इस बॉटल को देख सकते हैं। आप बॉटल को अगर आप देखेंगे लाइट में, अगर मैं जिस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसका जो लिक्विड है बॉटल के बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बॉटल भी दोस्तों लीक होती रहती है, और इसको मैं देखता रहता हूँ कभी बीच बीच में, तो ये लीक होती रहती है बॉटल। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी भी लीकेज है इसके अंदर। तो हो सकता है कि ये दोनों बॉटल दोस्तों मेरे पास अच्छी नहीं पहुंची हो। दोस्तों, इसके टॉप के अंदर लेमन और इसके मिडल के अंदर नागरमोथा और इसके बेस के अंदर एम्बर का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, सीधा सीधा अगर मैं इस परफ्यूम की खुशबू की बात करूँ, या मैं ये बात करूँ कि ये जो परफ्यूम है, इसकी जो खुशबू है, किस महंगे परफ्यूम की तरह स्मेल करता है, या किस महंगे परफ्यूम की कैटेगरी की तरह स्मेल करता है, तो दोस्तों आपने वो नाम सुना होगा, ब्लैक एक्सेस, पाको रबान ब्लैक एक्सेस। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों, सेम उस कैटेगरी का परफ्यूम है। सेम दोस्तों, अगर आप जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं, शुरू में थोड़ा सा आपको केमिकल महसूस होगा 5 या 7 सेकंड के लिए, और उसके बाद दोस्तों लेमन की खुशबू मिलेगी। लेमन के जो सिट्रस नोट हैं उसके साथ आपको एक स्वीटनेस मिलेगी, एम्बर की खुशबू मिलेगी, नागरमोथा का जो यूज़ किया गया है उसकी खुशबू आपको इसके अंदर मिलेगी। इसकी परफॉर्मेंस भी दोस्तों ब्लू परफ्यूम की तरह ही है, ज़्यादा ये चलने वाला परफ्यूम नहीं है। आप तेज़ गर्मी के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ये परफॉर्म नहीं करेगा। इसका भी जो प्रोजेक्शन है 1/2 घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच का प्रोजेक्शन है, और इसकी जो लास्टिंग है 3 से लेकर 4 घंटे तक ये लास्ट करता है। उससे ज़्यादा दोस्तों ये चलने वाला परफ्यूम नहीं है। मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों, कि आपने अगर ये परफ्यूम लगाया है तो सामने वाले को एकदम से महसूस नहीं होगा। इसका प्रोजेक्शन किस तरीके से काम करता है, कि अगर आप इस परफ्यूम को लगाकर बैठे हैं तो धीरे 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 ये आपके आसपास वालों को महसूस होगा। और दोस्तों, अगर आप इस परफ्यूम को खरीदते हैं तो इसको भी आपको साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि हर 3 से लेकर 4 घंटे के बीच आपको ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। तो ये आपको एक पूरे दिन की एक परफॉर्मेंस जो होती है, जो परफ्यूम से मिलती है, वो पूरे दिन की परफॉर्मेंस आपको इस परफ्यूम से मिल सकती है। और दोस्तों, इन दोनों परफ्यूम को यूज़ करने की अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों परफ्यूम किसी भी एज ग्रुप वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये दोनों परफ्यूम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये दोनों परफ्यूम के बारे में जो मैंने आपको बताया ये कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, मुझे ये भी बताना कि इन दोनों में से कोई आप कोई परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन दोनों परफ्यूम के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।